फ्रेंड्स, आज का अपना मुख्य टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के तहत यह हमारा एक व्यवस्थित टॉपिक है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं या किन एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इन विस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से समझ सकते हैं, उसी का अध्ययन आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक को में से विस्थापित कर देता है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापित अभिक्रियाओं में एक तत्व के तथा दूसरे तत्व के आपस में आयनों का विस्थापन होता है। यदि इसमें किसी एक आयन का विस्थापन होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में सबस्टेंस ए है और दूसरा रिएक्टेंट में बी सी सबस्टेंस है, तो दोनों केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, तो जिससे इससे जो प्रोडक्ट या नया जो उत्पाद बनता है वो ए बी प्लस सी बनता है। यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि ए सी को विस्थापित करके ए बी से मिलकर एक नया उत्पाद ए बी बनाता है और इसमें सी का विस्थापन हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती है इन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि एग्जाम्पल में ए बी प्लस सी डी दो रिएक्टेंट हैं जिनमें दो अलग अलग भिन्न आयन हैं, दो अभिकर्मक हैं और इनमें दोनों में भिन्न भिन्न आयन हैं, ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं और प्रतिस्थापन के पश्चात ये ए डी प्लस बी सी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन कहलाती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम यहाँ पर
द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर हम यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। परिभाषा के अनुसार ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 दोनों सब्सटेंस AB और CD है, जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और आयनों के आदान प्रदान के पश्चात BaSO4 सॉलिड रूप में विलयन में नीचे की तरफ बैठता है और एक अवक्षेप के रूप में यह हमें प्राप्त होता है, और ट्वाइस NaCl हमें इसमें प्राप्त होता है, अर्थात बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट दोनों विलयनों को जब परस्पर मिलाया जाता है तो हमें एक बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो श्वेत रंग का अवक्षेप होता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड का विलयन भी हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल में कैल्शियम और सल्फेट दोनों आयन हैं, और इन दोनों आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान होने के बाद इसको हम आसानी से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में समझा सकते हैं, जो कि क्लास 10th NCERT की बुक में एक्टिविटी 1.10 पेज नंबर 12 के ऊपर दर्शाई गई है। इसी को हम एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से भी समझने का प्रयास करते हैं, जो एक्टिविटी 1.2 पेज नंबर 2 और 13 पे दर्शाई गई है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, साधारण भाषा में इसे सीसा कहा जाता है, जो ट्वाइस KI पोटेशियम आयोडाइड के नाम से जाना जाता है। दोनों आपस में विलयन को जब मिक्स किया जाता है
तो इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों का आदान प्रदान होने के कारण PbI2 लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है और उसके साथ साथ ट्वाइस KNO3 का हमें विलयन प्राप्त होता है। पीछे हमने देखा कि द्वि विस्थापन के दो एग्जाम्पल हैं और दोनों ही एग्जाम्पल में आयनों का परस्पर विस्थापन होने के कारण यह द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है और इसमें हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात उपरोक्त अभिक्रिया में हमें रंगीन अवक्षेप प्राप्त होता है, चाहे वो श्वेत हो चाहे वो पीला हो, इसलिए हम यहाँ पर उसे रंगीन कहते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया में हमें रंगीन अवक्षेप प्राप्त होता है जो जल में अविलय होता है, इसके आधार पर हम यहाँ एक नई परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है और दोनों ही एग्जाम्पल जो हमने पूर्व में देखे थे द्वि विस्थापन अभिक्रिया तथा अवक्षेपण अभिक्रिया के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम यहाँ एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि द्वि विस्थापन हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों में से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई ए तत्व बी सी के साथ क्रिया करता है तो बी सी जो होता है वो आपस में क्रिया करके ए सी प्लस बी का निर्माण करते हैं। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें
जो अपने से कम क्रियाशील तत्व है, अपने से कम क्रियाशील तत्व को ही दूसरा तत्व विस्थापित कर सकता है और एकल विस्थापन अभिक्रिया को संपन्न कर सकता है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि फेरस या आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है, ए बी सी। तो ये फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और FeSO4 फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट एकल विस्थापन प्रक्रिया को या अभिक्रिया को संपन्न करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक अन्य एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। सल्फेट जिंक या जस्ता ए बी प्लस सी। ए सी प्लस बी ए सी प्लस बी। तो इस तरह हम एकल विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझा सकते हैं।